निकल गई यहाँ पे सीमित इंसान। भागो भागो, कुछ हो ही नहीं पा रहा है तो भाई। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू ड्रैग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो भाई आज हम करने वाले हैं दो बाइक्स का कंपैरिजन, जो कि भाई देखो कैटेगरी तो अलग है, एक फेयर्ड है एक नेकेड है। सीसीज में भी बहुत फर्क होने वाला है, 300 सीसी 200 सीसी, हालांकि यहाँ पे टॉर्क और पावर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है। अगर हम होंडा सीबी 300F की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 300 सीसी के इंजन के साथ में 25 पीएस की पावर और 26 न्यूटन मीटर टॉर्क और ऑयल कूल्ड इंजन आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। अगर यहाँ पे हम बजाज पल्सर RS 200 BS6 OBD वाली की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 24 पीएस की पावर और 19 न्यूटन मीटर अप्रॉक्स जो है आपको न्यूटन मीटर टॉर्क देखने को मिलने वाला है। बात कर लेते हैं यहाँ पे प्राइस सेगमेंट की, तो भाई देखो प्राइस में सेम होने वाली है इसलिए ये कंपैरिजन टेस्ट हम करने वाले हैं। 2,05,000 की ये पड़ रही है और 2,00,000 रुपए ये पड़ने वाली है, अब क्योंकि अब सस्ती हो गई है, फिर से लॉन्च की जाएगी। जब आई थी ये तो 2,50,000 के अप्रॉक्स थी, अभी 50,000 जो है इसका प्राइस कट कर दिया गया है। बाकी टायर प्रोफाइल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको फ्रंट में 110 सेक्शन दोनों में देखने को मिलने वाला है, रेयर में बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको 130 सेक्शन देखने को मिलने वाला है, स्टॉक वहाँ पे आपको 150 सेक्शन देखने को मिलने वाला है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर लेते हैं तो RS में आपको वही ओडोमीटर प्लस डिजिटल देखने को मिलने वाला है, जो अपडेट आए थे वो यहाँ पे गियर इंडिकेटर और DT डिस्टेंस टू MT जो है देखने को मिलने वाला था, रियल टाइम में माइलेज आपको देखने को मिलने लगा था RS में। और अगर यहीं पे CB 300F की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको फुल डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, निगेटिव वाली, और इसमें आपको हज़ार ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको हज़ार ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको USD फॉक्स देखने को मिलेंगे और यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलने वाले हैं, दोनों में आपको आउटर एग्जॉस्ट देखने को मिलने वाले हैं, दोनों में आपको जो है पीछे एक में आपको ग्रैबल्स देखने को मिलने वाले हैं, यहाँ पे आपको जो है ग्रैबल्स देखने को नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको काउल में ही जो है पकड़ने का जो है सुविधा दी गई है, और दोनों में आपको स्पीड सीट देखने को मिलने वाली है, E20 वेरिएंट है दोनों। बाकी प्राइस मैंने बता ही दिया, ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका मैं नहीं करूँगा, सीधे ड्रैग करते हैं। और दोनों में आपको LED इंडिकेटर देखने को मिलने वाले हैं, दोनों बाइक 6 गियर ट्रांसमिशन इंजन के साथ में आती है, दोनों में आपको ABS देखने को मिलने वाला है, यहाँ पे आपको बाइब्रे के जो है डिस्कैल्पर देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको निफिन के देखने को मिलेंगे, जो कि कावासाकी भी अपनी बाइक्स में यूज़ करता है। तो होंडा भाई जो होंडा का इंजन है तो भाई लॉन्ग लास्टिंग जो है आपको जो है प्रॉमिसिंग इंजन देखने को मिलने वाला है। तो चलो अब सीधे जो है ड्रैग को शुरू करते हैं, देखते हैं कौन सी बाइक ज़्यादा पावरफुल होने वाली है, नेकेड का जो है होंडा CB 300F को जो है डिसएडवांटेज देखने को मिलने वाला है, यहाँ पे RS को फेयरिंग का फायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ड्रैग को, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम फॉलो कर लो फटाफट से। तो चलो शुरू करते हैं। अब रेस को शुरू करते हैं, मैं चला रहा हूं पल्सर RS 200 BS6 फेज 2 OBD वाला सेक्शन और ये चलाएगा अपना भाई होंडा CB 300F। तो चलिए रेस को शुरू करते हैं। और ये RS को क्या हुआ भाई, हाँ स्टार्ट हो गई। चलो दोनों बाइक्स में आपको गियर इंडिकेटर देखने को मिलने वाला है और दोनों बाइक्स में आपको 6 गियर ट्रांसमिशन इंजन देखने को मिलने वाला है होंडा CB। अब चलिए शुरू करते हैं। नो डाउट CB 300F जो है इनिशियल में फास्ट होने वाली है। अरे कहाँ यार, तुम भी RS लेके पीछे पड़े हो, क्या बताएं, मिरर में देख सकते हो, थोड़ा चाहे बट टक नहीं होते, सीधे चलते हैं, RS को निकलने देते एक बार, जाओ जाओ जाओ, जाओ। और RS भाई और ये बिना टक करे भगा रहा है, इसको ये नहीं पता है कि मौका अगर दे दिया इसने तो ये छू नहीं पाएगा RS को। ये RS भाई मुझे लगता है कि 150 तक जाएगी, आई थिंक सो, देखते हैं। अब मैं भगाता हूँ गाइस, 6 गियर में पड़ चुकी है RS, यहाँ पे आकर निकलने का मौका देने के बाद और इसके नजदीक क्या बरात पड़ती हुई यहाँ पे, तो अरे भाई मैं आ रहा हूँ, ओ भाई CB भागो, क्या पर 145, ओ भाई 150, अरे नहीं धागा खोल रखी है, ओ हो ला 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 और ये निकल गई CB 300F, लिमिटर आ गया भाई, पूरा मौका मिल रहा है उसे CB 300F को, और यहाँ पे लिमिटर की वजह से भाई ये है जो हक दे रही है, ये रही CB 300F, बाय बाय।
जाओ, मैं आ रहा हूँ। सीबी भागो, फिर से ऊपर दिखा दो जलवा, उसका लिमिटर आ रहा होगा भाई साहब। ओ ये मुड़ के देखा भाई उन्हें पीछे, मैं नजदीकी आ गई। ये बात भागो भागो, ये है ये अब वो सफर कर रही है आगे आने को। निकल गई यहाँ पे सीबी 300F निकल गई। सो गाइस, जैसा आपने फर्स्ट राउंड में देखा कि भैया ये मौका दे रहे हैं तो इनको बहुत ही ज़्यादा ट्रबल करना पड़ रहा है जो है इसको पकड़ने के लिए। और चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, मैं ये बताना भूल गया था। जैसे ये देख सकते हैं यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट है भाई, वाह, वो भी सी टाइप वाला आईफोन, महंगे महंगे वाले है भाई, सी टाइप वाला है। तो गाइस, जैसा अभी आपने फर्स्ट राउंड में देखा कि भाई सीबी 300F जो है विन कर रही है टॉप एंड में, अब तो चलो एक बार राइडर स्विच करते हैं सीधा, और राइडर स्विच करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आने वाले हैं। तो चलो आ जाओ। क्या पुल है भाई, अबे बैठ रही भाई। अरे यार तुम कहाँ गए भाई, इधर आओ। अरे मौका ही दे देते यार एक बार हमको। पल्सर, ओ भाई लिमिटर आ गया। ओ ये भग रही है भाई साहब, 134, 37, 34, 42 लिमिटर ना हो। अरे भाई लिमिटर आ गया यार। अरे तो इसको इनिशियल में तो नहीं हरा सकती, इनिशियल में तो आ रहे सपने देखेगी भाई से हराने के लिए। और भाई ताबड़ तोड़ भाग रही है ये। अरे साथ हो गई है, भाग रही है। अरे उसमें भाई ताबड़ 144 जा चुकी है ये। बजाज भैया ये लिमिटर का खत्म करो यार। अबे 149 में लिमिटर आ रहा था तेरी की माँ का चीना साला, कुछ हो ही नहीं पा रहा है। अरे भाई लिमिटर 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 44 आ रहे, सब आ नहीं पाएगी, उसमें लिमिटर आ चुका होगा देख सकते हो। आरएस की 30 क्षमता है बस, वो अब नहीं निकल पाएगी, अब उसकी हवा टाइट हो जाएगी। इसको रोक के रखे लिमिटर को थोड़ा। ओटीए तो रोक के रखा हुआ भाई साहब। अबे यार लिमिटर नहीं भाई नहीं निकल जाएगी शायद, मिरर में देख सकते हो लगी हुई है बगल में। बड़े यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। सो गाइस, जैसा आपने लिमिटर आ रहा होगा सो गाइस, जैसा आपने देखा कि आरएस ये हमको मौका दे दिए थे जिसकी वजह से फर्स्ट राउंड में आरएस निकल गई थी, और उसको थोड़ा सा जो है टाइम लग रहा था गैप मेंटेन करने में, लेकिन उसने गैप मेंटेन किया। तो यहाँ पे भाई देखो 300cc होके भी, नेकेड भी होके, उसके बाद में भी आरएस 200 से जो है फास्ट है और इससे सस्ती है भाई। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे प्राइस सेगमेंट में सीबी 300F आपको सस्ती देखने को मिलेगी। यूएसडी फॉक्स आपको देखने को मिलना है, बस नेकेड का थोड़ा सा वो है। बाकी इसकी सीबी 300R भी आपने देखी होगी, अगर उस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट कर जरूर कर देना। बाकी मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी और यहाँ पे विनर जो आपने देख ही लिया कि भाई सीबी 300F होने वाली है। बाकी चलो इस वीडियो को यहीं बैंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।